कटनी जिले के प्रभारी मंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जिले में पहुंचे, वहां वैक्सीन अभियान में दूसरे चरण के कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही टीकाकरण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के प्रभारी मंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि यह अभियान पूरे मध्य प्रदेश में दूसरे चरण का महाअभियान प्रारंभ हुआ है, जो 25 अगस्त से 26 अगस्त तक चलेगा। दोनों दिनों में जिले में पहला व दूसरा डोज मिलाकर 70,000 लोगों को वैक्सीन लगवाने के टारगेट बनाया है, जिसके तहत जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी व बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस महाअभियान के पूरा कराने में सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने जिले के सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक भी किया और इसके बाद जिले के टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए निकल गए। पूरे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महाअभियान प्रारंभ हुआ है। आज उसी कड़ी में कटनी में भी, यह कटनी जिले के लिए भी आज यहाँ पर महाअभियान की शुरुआत की है। लगभग इस कटनी जिले में 70,000 के करीब प्रथम डोज और द्वितीय डोज मिला करके वैक्सीनेशन होगा और आज उसी कड़ी में हमारे सारे जनप्रतिनिधि, पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी सब लोग मिलकर के इस अभियान की आज शुरुआत कर रहे हैं। दो दिन चलेगा ये, 25 और 26, और हमारी यह अपील है सबसे कि कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहे। जिसने प्रथम डोज लगाया है वो द्वितीय डोज लगाए, और जिसने प्रथम भी नहीं लगाया है उन सारे लोगों को मोटिवेट करने का काम आज इस अभियान के माध्यम से कर रहे हैं। पूरे जिले में ये चल रहा है, पूरे प्रदेश में आज ये अभियान चलेगा। जी, आपके द्वारा टीकाकरण में भी जाके निरीक्षण किया जाएगा? बिल्कुल, अभी हम जाएंगे पूरे जिले में प्रमुख स्थानों पर जाकर के, सभी विधानसभा क्षेत्र में लगभग हम जाएंगे और सभी हमारे जनप्रतिनिधि साथ में रहेंगे और जाकर के वैक्सीनेशन सेंटर के पर जाकर के हम चेक करेंगे। पूरे देश में महंगाई को लेके काफ़ी चर्चा है और महंगाई को लेके तालिबान जाने के शब्द भी सामने आ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि कोई विषय नहीं है ऐसा, ये है ना, अब वो कोई प्रसंग था, कोई बात हुई है, तो कोई बहुत रिपीट करने की आवश्यकता नहीं।